बताया था मैंने आपको, मैंने अरसल से बात की है और वो भी राजी है। अब मना करने के लिए मेरे पास कोई जवाब बाकी नहीं। पूछने और बताने में बहुत फर्क होता है। तुमने फैसला करके बताया मुझे, मेरे मना करने के बावजूद अस्मा को तुमने शादी पर बुलाया। पूछ सकता हूं आखिर क्यों तुम ये सब कुछ कर रही हो जो 30 सालों में तुमने कभी नहीं किया? आज से पहले कुछ गलत जगह ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं बोली। अपनी बेटी को बुलाया था मैंने, जिस पर उसको ना का इल्जाम है जो अभी तक साबित नहीं हुआ। तो मैं क्या पागल हूं जिसने उसको इतनी बड़ी सजा दी? इल्जाम तो आप पर भी है, और अब तक आपसे भी कुछ नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सपोर्ट ढूंढने निकली तो बहुत रुसवाई हो जाएगी, बेहतर आप खुद बता दें। क्या क्या पूछना चाह रही हो तुम? मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाह रही हूँ जिन्हें मैं जानती नहीं, और वो बिन बुलाए मेहमान मेरे घर आ जाते हैं। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? मलाइका, यही नाम है ना उस औरत का, और अस्मा भी उसी का जिक्र कर रही है। अच्छा, अस्मा ने ही तुम्हारी सोच में ये जहर भरा है। जब तक यहां रही इस घर की बर्बादी का सबब बनती रही, और अब जो बचा है उसे बर्बाद करना चाहती है। तो आप बचाने बर्बाद होने से, और जो हकीकत है वो बता दें।